क्यों हो रहा है तो हम किसी ग्रुप में ऐड नहीं होंगे, और अगर हम किसी ग्रुप में ऐड नहीं होंगे तो बाय द वे अगर आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अच्छा खासा लेट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, इतना लेट नहीं होना था। एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स अप, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड एंड आई एम आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। सो वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आफ्टर सो लॉन्ग। मैं आज बना रहा हूँ वंस अगेन यूनी का व्लॉग, बिकॉज यार बहुत टाइम हो गया था अभी तक मेरी खांसी सही नहीं हुई है, पर थोड़ी सी दुआ कर लेना ताकि मेरी खांसी वासी सही हो जाए। खैर एनीवे आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं यूनिक व्लॉग बना रहा हूँ, बिकॉज मेरे दो व्लॉग जो लास्ट अभी गए हैं वो फ्राइडे टू फ्राइडे गए हैं। बेसिकली सीन ये था कि यार कुछ दिनों से मतलब मसरूफियात थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं, तो व्लॉग के लिए मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है कुछ मेरे लिए, आप लोगों के लिए हो या ना हो आई डोंट नो, बट मेरे लिए है, बिकॉज मैं अगर अपने व्लॉग को टाइम नहीं दे रहा इट मीन्स कि मैं अपनी कंसिस्टेंसी खराब करने जा रहा हूँ। ठीक है समरिया। और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है इस वजह से कि वीकली टू व्लॉग्स की जगह मुझे एक अपलोड करना पड़े, लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, ये बात मेरे उसूलों के खिलाफ हो जाएगी, और मैं अपने उसूलों के खिलाफ तो खैर कभी जाने की कोशिश भी नहीं कर सकता। कभी चला जाऊँ तो वो बाय मिस्टेक, अदरवाइज जानबूझ के नहीं होता। खैर एनीवे आज मैं बना रहा हूँ यूनिक व्लॉग, और अभी सीन बेसिकली ये है कि अभी शाम का टाइम हो गया। मैं वेदर अपडेट से बात अगर स्टार्ट करूँ तो बाय द वे आप लोग वेदर अपडेट भी चेक कर लें। अच्छा आप लोग बोल रहे होगे कि राकिब भाई क्या सीन है, वैसे आप यूनिक के व्लॉग बना रहे होते हो तो धूप बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आज इतने मतलब शाम शाम का टाइम क्यों हो रहा है? तो भाई बेसिकली टाइम इसलिए शाम शाम का हो रहा है बिकॉज मैंने पहली क्लास मिस कर दी और सेकंड क्लास में मुझे इनरोल होना ज़रूरी है, बिकॉज अभी कुछ चल रहे हैं असाइनमेंट्स के मामला, तो उसमें इन होना ज़रूरी है क्योंकि उसमें बनते हैं ग्रुप्स वगैरह, तो उसमें अगर हम एबसेंट होंगे तो हम किसी ग्रुप में ऐड नहीं होंगे, और अगर हम किसी ग्रुप में ऐड नहीं होंगे तो फिर तो हम असाइनमेंट का हिस्सा ही नहीं बन सकेंगे, तो इसलिए आजकल हमें जाना पड़ रहा है यूनी। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार मतलब यूनी के भी अपने ब्लॉग्स कंटिन्यू रहें एंड अदर जो हमारे इवेंट्स वगैरह होते हैं, कोई प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो उसके भी ब्लॉग्स हमारे जाते रहें, बट राइट नाउ यार प्रोग्राम्स वगैरह अटेंड करने का नहीं टाइम मिल रहा, थोड़ी सी मसरूफियत, थोड़ी सी एक इंच दो इंच समझ लें मसरूफियत ज़्यादा हो गई है, एंड आई डोंट नो ये मसरूफियत कब ख़त्म होंगी। खैर एनीवे अभी सीन ये है कि अभी आपने लास्ट व्लॉग मेरा देखा होगा, उसमें हमारा केज रेडी हो गया है, अभी आप लोगों के लिए भी सरप्राइज़ है प्लस मेरे लिए भी सरप्राइज़ है कि हम उस केज में अभी क्या ही पालने वाले हैं। मतलब दोस्तों से मैंने डिस्कस वगैरह किया है, वो लोगों ने मुझे काफी मशवरे दिए हैं, बट मैं कहीं फाइनल नहीं कर पा रहा हूँ कि यार मतलब क्या चीज होनी चाहिए। बेसिकली मैं थोड़ा इस पॉइंट से सोच रहा हूँ कि यार मैं एक दफा चीज लूँ और ना थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए लूँ, ऐसा नहीं कि मैंने एक चीज ली उसको मतलब पाली फिर सेल कर दी फिर मैंने ली पाली, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहा, मैं एक लॉन्ग टर्म जो है पालने के लिहाज से सोच रहा हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है। बट खैर एनीवे केज रेडी हो गया, अब जस्ट हम वेट पर हैं कि क्या चीज़ हम लाएंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ होगी। इसमें थोड़ा सा डिसाइड कर लूँ, इसमें कन्फ्यूजन चल रही है, बाकी उसके बाद तो जो हमारा जो भी परिंदा या एक्स वाई जी जो भी चीज़ हम लाएंगे पालने के लिए वो आप लोगों के साथ भी शेयर करा करेंगे। बाय द वे अगर आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि मतलब मुझे क्या क्या पालना चाहिए। अब इतना हाई लेवल नहीं चले आना है कि राकिब भाई कुत्ता पाल लो या फिर शेर पाल लो या फिर बंदर बंदर पाल लो, बत्तख तो खैर पाली जा सकती है, इतना बजट भी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट बात करेंगे यार, क्यों ढकी छुपी बात करें, अगर आप लोग मुझे कुछ मशवरा देना चाहते हैं कि राकिब भाई आप ये चीज़ पाल लें जो कि बड़ा मज़ा भी कराएगी और शशके भी कराएगी, शशके ना ही कराए मज़ा बेशक कराए के लिए ले रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं कि राकिब भाई आप ये लें या फिर ये लें। खैर एनीवे अभी टाइम हो रहा है थोड़ा सा शॉर्ट, बिकॉज फर्स्ट क्लास हमने कर दी है मिस, सेकंड में जाना ज़रूरी, और सेकंड क्लास स्टार्ट होने में अराउंड टाइम की अपडेट ले लेते हैं क्या टाइम हो रहा है। ऊप्स, सेकेंड क्लास स्टार्ट हुए पे 5 मिनट हो गए हैं एंड मैं स्टिल घर पर हूँ, तो इट मीन्स कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, भागना पड़ेगा जल्दी पहुँच के फिर मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ, स्टे ट्यून्ड लेट्स गो। ओके जी, तो फाइनली आपका भाई यूनी अराउंड 5 मिनट्स हुए हैं, यूनी पहुँच गया है, और अगर मैं टाइम की अपडेट दूँ थोड़ी सी तो टाइम हो रहा है 5 और मेरी क्लास स्टार्ट होनी थी तकरीबन 4:30 बजे, मैं आधा घंटा लेट हूँ, रिमेनिंग मिनट्स है 20 और 25 मिनट्स, मे बी पॉसिबल मिस क्लास में इन होने देंगे बिकॉज मैं 2 हफ्ते बाद क्लास में जाऊंगा क्लास लेने, तो हो सकता है मैं इसको थोड़ा सा रहम आ जाए, मिस बोले कोई बात नहीं बेटा ऐसा चलता है। ये रहा हमारा टीचर्स एजुकेशन के सामने, ये रहा हमारा माइनर का डिपार्ट, यार अच्छा खासा लेट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, इतना लेट नहीं होना था लेकिन क्या करें यार, थोड़े से मतलब मसरूफियात अदर मसरूफियात भी होती है ना, उस वजह से थोड़ा सा स्केजुअल आउट हो जाता है, लेकिन खैर कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर मैं जगह की अपडेट दूँ तो ये थोड़ी सी बहुत अच्छी सी प्लेस है, यहाँ पे गार्डन टाइप बना हुआ है जिस वजह से दिल गार्डन हो जाता है, तो लेट्स गो अभी चलते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, क्लास अटेंड करके फिर मिलता हूँ आपसे। ये हस्की ना
काटता नहीं है, डराता है बस। कितने साल के? साल की नहीं, अभी 6.5 साल। दो साल का होगा तो ये फिर कहाँ जाएगा? हाइट बड़ी है ना, नस्ल बड़ी है, नस्ल तो अच्छी है, अच्छी नस्ल की है। इसकी ब्रीड ब्रीड करवाई है आपने? नहीं, कुछ भी नहीं, तो इसका वो निकाला ही नहीं है अभी। ओके जी, तो अभी आपका भाई फाइनली फ्री हो गया क्लास लेके। बाय द वे एक ही क्लास थी खांसी, ये मुझे पता नहीं कहाँ तक लेके जाएगी, बिकॉज मुझे कंटिन्यूसली तकरीबन अराउंड कुछ नहीं तो एक हफ्ते से ही खांसी हो रही है, जो कि बिल्कुल भी सही होने का नाम नहीं ले रही। खैर, मैं इसमें कोई मेडिसिन का भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ना कोई दवाई वगैरह यूज़ कर रहा हूँ कि जिससे मेरी खांसी सही हो जाए। खैर एनीवे, तबीयत वगैरह तो सब सेट हो जाएगी। अभी क्लास एक हमारी डन हो गई है, उसके बाद सीन कुछ ये बना है कि हमारे थोड़े से पुराने दोस्त मिल गए थे, तो उनके साथ हमने गपशप लगाई, थोड़ी देर बैठे तो टाइम ज़्यादा हो गया, मगरिब भी हो गई थी। खैर अभी बाल देख रहा हूँ कि गिले तो खैर अब नहीं हो रहे, सूख गए। अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ के फ्री हुआ हूँ, और अभी सीन ये है कि मैं सोच रहा हूँ यार घर निकलता हूँ। तो आई होप आज का ब्लॉग तो बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रॉर्डनरी शॉर्ट रहा। खैर एनीवे, मसले वाली बात नहीं है, अपकमिंग ब्लॉग्स में कुछ हम एंटरटेनमेंट ब्लॉग भी लाएंगे। एंड आई होप सो यू गाइज ऑल्सो लाइक दिस ब्लॉग, एंड इफ यू लाइक दिस ब्लॉग सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर देना ब्रो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मिलते हैं किसी अनदर ब्लॉग में। Помни имена, лица, номера.